बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। यार एक बड़ा मसला है ना भाई। क्या? कि मैं हम लोग हमारा जी हम जब आपस में बात करते हैं तू तू करके बात करते हैं। अब शो में जब कोई आ जाता ना दोस्त यार तो वो लोगों को तो नहीं हमारी दोस्ती का पता था। फिर मैं अचानक से फॉर्म होता आप कैसे हैं वो जरा मुश्किल होता तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। कैसी है? बिल्कुल सेट है। अच्छा एक तो शादी की मुबारक हो। मुबारक माशाल्लाह। अभी बहुत पुरानी नहीं है, रिसेंटली है शादी। हाँ एक साल भी नहीं हुआ। शादी के बाद गाने ज्यादा अच्छे नहीं हो गए आपके? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना, दर्द ज्यादा आ गया। दर्द आ गया है मेरे कह रहे हैं कि बरकत पै गई काम से, दर्द ज्यादा। अच्छा मैं लोगों को बताता चलूं, मेरे पास हो तुम का जो सुपर हिट गाना है इस वक्त वो इन्होंने बनाया है। दो बोल का गाना जो सुपर हिट है वो इन्होंने बनाया। मेरे मोहसिन का गाना इन्होंने बनाया जो बहुत अच्छा है। फिर अलिफ अल्लाह और इंसान का गाना इन्होंने बनाया। आंगन जो हम टीवी का आंगन था उसका गाना इन्होंने बनाया। और द लिस्ट इज सो लॉन्ग भाई, क्या बात है माशाल्लाह। ये कोई फॉर्मूला पकड़ लिया भाई, तेरा हर गाना हिट हो रहा है। नहीं यार बस फॉर्मूला तो कुछ नहीं है सुन भाई, बस ये कि अल्लाह ताला की रहमत है, कोई शक नहीं। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस ये कि वक्त के साथ साथ चलना सीख लिया, थोड़ा सा ऑडियंस का शायद उनका रुझान मेरी तरफ हो गया और पाक परवरदिगार की लाइट पड़ गई। हाँ बस अल्लाह का जो तो कहता होता है सम टाइम मुझे नवीद, बस मेहनत कर, सिर्फ काम कर, सिर्फ काम कर, तेरा वक्त आएगा। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मैंने भी नवीद ये सीखा कि आप मेहनत करते हैं अच्छी नीयत से और फिर वो कैमरा जो था वो घूम के आपके पास भी आता है। Exactly. हर एक को मौका मिलता है, लेकिन एसेंस की लॉयल्टी बहुत जरूरी है। हाँ काम के साथ आपका मुनसिफ होना वो बहुत जरूरी है। अच्छा वालिद साहब ने इतनी फिल्मों के गाने किए और मुझे याद है कि मेरी भी एक फिल्म थी बहुत पुरानी, मैं इतना पीछे जाना नहीं चाह रहा खुद ही तो, लेकिन उसका एक एक गाना उस मैं 10 12 14 साल पहले अगर उस फिल्म के गाने में तब जब सुनता था वो आज की एज के लिए भी मॉडर्न म्यूजिक है। तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया भाई। यार एक्चुअली मैं ज़्यादातर अपने वालिद पे डिस्कस करता इसलिए नहीं कि ये लोग कहते हैं फिर कि भाई इसके अपने वालिद के ज़्यादा कुछ बोलते हैं ये, तो मेरे तो मेंटोर वही हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा अपने वालिद से सीखा, मैं तो उनका फॉलोवर हूँ। मतलब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किसके फॉलोवर हैं, आप किसके फ़ैन हैं, तो मैं सिर्फ अपने वालिद का फॉलोवर हूँ, उन्हीं का फ़ैन हूँ और मेरे लिए लाइफ के लिए रोल मॉडल सिर्फ वो ही हैं। तो हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा एहसन, अबू ने वाकई सारा उस वक्त में जो जितना भी काम किया एडवांस काम किया और जीती जागती मिसाल है हमारा बाजी हमारे लिए। इन्होंने इतना काम किया अब्बू के साथ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और इसी तरह मेरी ऑल फैमिली, मेरे कजन्स, मेरे चाचा अमीर अली सिंगर बहुत अच्छे सिंगर हैं, फिर इमरान अशाद साहब मेरे चाचा वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, और सारे टीचर हैं जितने भी बड़े मेरी फैमिली के, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मेरा कजन जिसने मेरे पास उम्र तुराब अली खान साहब से तार प्लेयर किया, तो मतलब एक फैमिली है। तो उस तरीके से फिर आपने जो सवाल किया उसका जवाब मेरे ख्याल से काफी है। सही है। हमारे जी आपका फेवरेट गाना जो रिसेंटली आपने कोई गाया हो वो कौन सा है जो आपको लगता है कि ये अब मेरा बड़ा प्यारा गाना है, ये मुझे बहुत पसंद है? बहुत सारी चीजें ये पूछना तो एक ज्यादती की बात है कि मैं आपको बोलूं एक गाना चूज करें, लेकिन होता है रीसेंट कोई काम। एक एल्बम की थी जिसमें मेरे बहुत सारे गाने अच्छे रहे, लेकिन वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, दिल के करीब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत अच्छी लगती हैं। बजरिया से गजरे। अरे वाह क्या तो प्यारा, क्या प्यारा गाना है, गुनगुनाएंगी प्लीज़ अगर? जी प्लीज प्लीज बाजी। बजरिया से गजरे मंगा दे, मैं सैयां थोड़ी विनती करूं, बजरिया से गजरे मंगा दे, मैं सैयां थोड़ी विनती करूं, गजरे बाहों में पहना दे, मैं सैयां थोड़ी विनती करूं, बजरिया से गजरे मंगा दे, मैं सैयां थोड़ी विनती करूं, मैं सैयां थोड़ी विनती करूं, तोरे बिना मेरा दिल नहीं लगना, तुझ ही से लागे जिया रापना, मैं हूँ चांद तो तू है हाला, मेरे मन को दरस दिखला
मैं सैया तोरी बिनती करूं, बजरिया से गजरे मंगा दे, मैं सैया तोरी बिनती करूं, मैं सैया तोरी बिनती करूं। वाह क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। हुमैरा जी इतनी फिल्मों के आपने गाने गाए, हाँ जी। हीरोइन कौन सी थी जो जिस पे आपकी आवाज ज्यादा मैच होती है? रेशम पे बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। और रीमा, रीमा पे बहुत। अच्छा, बहुत कौन सा उनका बहुत पॉपुलर गाना जो रेशम पे हुआ है और आपने वो गाया? रेशम पे था बे ढोलना चंगा नहीं लगा तेरे को, वजात्रे साहब का। अच्छा क्या है ये, कैसे? बे ढोलना चंगा नहीं लगा तेरा रुखा बोलना, चंगा नहीं लगा तेरा रुखा बोलना, वे डोलना चंगा नहीं लगा तेरा रुखा बोलना। वाह क्या बात है, क्या भाई। इनफैक्ट जीवा फिल्म का भी था एक, रेशम जी पे आपने जो गाया था बहुत अच्छा था। छू लेगा तुझको आवाज जी, हां ये कैसा है ये, अरे ये कितना पॉपुलर गाना है। यस यस यस, ये उसने याद दिलाया, आपको नहीं आता? नहीं मुझे याद, डू इट एक्चुअली। हां नहीं सुनाइए थोड़ा सा। छू ले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा, कहता है दिल तुझको कोई देखे ना मेरे सिवा, कैसा है ये कैसा तेरा दीवानापन, यही कुछ मेरा भी चाहता है मन, प्यार को ही और तुझे करे ना सजन, प्यार को ही और तुझे करे ना सजन। क्या बात है, आज तो दोनों बैठे मेरे दिल के बस बातें तो हम कर लेंगे, गाने सुनते रहे, लोग भी बड़ा एंजॉय कर। अच्छा, अहमद साहब का गाना है ये। हाँ। और अरमर रफी साहब ने गाया था, बहुत जबरदस्त गाना, बहुत खूबसूरत गाना, मुझे तो याद है बिल्कुल बड़ा। अच्छा नवीन, ड्रामों के ओएसटी बहुत अरसे से हिट हो रहे हैं और जितने भी लोग काम कर रहे हैं ड्रामों के ओएसटी पे, आपके अलावा भी और भी बहुत से हो गए, आप कुछ नाम आप बताएंगे और कौन है जो करते हैं? साली बग्गा, बग्गा बहुत, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शुजा हैदर साहब, बिल्कुल क्या बात है, शिराज उपल साहब। शिराज उपल कम करते हैं बट वो फिल्म्स का ज्यादा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, वेरी नाइस। इनफैक्ट शानी अरशद, ठीक है, शानी वकार, वकार भाई तो खैर जी वो तो लेजेंडरीज में है, सही है, सही है, वो जब भी करते हैं औसम ही करते हैं, सही। अच्छा तो टीवी के इतने गाने हिट होते हैं, टेलीविजन के कोक स्टूडियो हम देख लें, पेप्सी में देख लें, गाने हिट होते हैं, फिर ओएसटीज इतने हिट होते हैं कि पूरी दुनिया में, लेकिन फिल्म के क्यों नहीं अभी उस तरह से गाने हो रहे हैं? नहीं मैंने कोई अजीब सा सवाल कर दिया, बिल्कुल। अच्छा नहीं एक्चुअली अजीब सा नहीं है, आप लोग नहीं बना रहे इसलिए फिल्म में गाने के और से बन रहे, मतलब ये बात है हम लोग के ही है वो भी। कल मैं तो मूवीज की ही नहीं है बहुत कम, बट अब कर रहा हूँ और देखें क्या होता है इसमें। बट ये आपके सवाल का जो आंसर है वो एक्चुअली ये है कि प्रमोशन तरीके से नहीं होते फिल्म के सॉन्ग्स की। आपको लगता है यार फिल्म में फिल्म के सॉन्ग के असन आप प्रमोट करते हैं सिर्फ फिल्म के लिए, ठीक है, आप गानों को प्रमोट करेंगे तो आपकी फिल्म के लिए वो फ्रूटफुल है। मतलब टेलीविजन पे जब एक गाना बार बार चलता है तो वो बहुत मशहूर हो जाता है, फिल्म का कभी कभी सुनाई देता है और गुजर जाता है। मेरा जी कोई मैडम की कोई गजल अभी भी आपने कोक में की थी, कोई कोई ऐसी गजल जो आपको बहुत पसंद है और आप सुनाना चाहेंगे? जरूर जरूर बाजी, बल्कि वो सुनाए ना मेरे हम नफस जो हमने किया पिछले, बल्कि मैं सॉरी आपकी बात काट दी, प्लीज आप, हमने किया एक मैडम की, नहीं मैडम की नहीं है, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर की, ठीक है, तो हमने रिड्यू की है। अच्छा, और बहुत अच्छी, इसने इतना अच्छा, देखें किसी पुरानी चीज को पिक करना और उसे रिड्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल होता है, और स्पेशली जो बहुत हिट हो पहले से तो उसको दोबारा, ठीक है ना, क्योंकि बातें बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन इसने इतना अच्छा उसे अरेंजमेंट के साथ और उसके जो रूह और उसकी जो लगाव म्यूजिक के हवाले से भी रहा ना, बहुत ही ऑसम रहा। अच्छा मेरा प्लस पॉइंट ये भी रहा, अल्लाह का शुक्र मेरी टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह, म्यूजिक टीम जो मेरी है, उनको क्रेडिट देना भी जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पोएट से इंसान, मेरे पोएट और मेरे म्यूजिशियंस जितने भी हैं, मेरे मिक्स मास्टर वाले साउंड के साउंड इंजीनियर हैं जो, और जो प्लेयर हैं मेरे जिनमें सोनू हैं, सोनू सागर, रहील मिर्जा हैं, बादशाह भाई फ्लूट वाले हैं,
और कस्टिक रहील मिर्ज़ा काफी मेरे नवीद ने सोचा उनका नाम लेना जरूरी शो में बैठे कल को जाके कहेंगे हमारा नाम क्यों नहीं लिया यार नहीं तो किसी के नसीब का भी अल्लाह जब आपके साथ जुड़ी होती टीम तो किसी के नसीब बल्कि ऐसे कमर मेरे बड़े भाई कमर नशाद हाँ उनका नाम मैंने कमर नशाद रख दिया है तो कमर अली लेकिन हमने कमर नशाद रखी नवीद नशाद चल रहा है फैमिली किसी साथ में तो वो साथ में चल रहे तो वो बहुत बहुत अच्छे शायर है उन्होंने बिल्कुल मेरी मुलाकात भी यारियां जिन्होंने लिखा जा देखी तेरी यारियां फिर मोमना ने इसको बहुत अच्छा गाया मोमना ने वो बड़ा अच्छा जी हुमैरा जी मेरे हम नवा मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा ना दे मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब मुझे जिंदगी की दुआ ना दे मेरे हम नफस मेरे हम नवा क्या बात है स्टूडियो आई बाजी मैंने कहा बाजी गाना करना है तो बहुत अरसे के बाद मैंने काम किया इनके साथ कोई 5 साल के बाद भाई अब ये माइक पे आई हैं और इन्होंने गाया तो मैं और मेरे म्यूजिशियन रोना शुरू हो गए यार ऐसा क्या फील थी बगैर ट्यूनर के बाजी ने गाया वाह वाह ये वाहिद सिंगर है ये और नसीबोलाल इनको ट्यूनर एक्सेप्ट बहुत कम करते हैं जरूरत नहीं है इतनी मुझे एक्सेप्ट यकीन करो ज़ाहिर वो उसके कीबोर्ड में जो सुर हैं जो स्केल है उसको कीबोर्ड में देना पड़ता है आप ज़्यादा बेहतर तो जब मैं गा रही होती हूँ ना सम सुर ऐसे होते हैं कुछ मुझे लगता है मैं बेसुरा हो रहा है वो पता नहीं क्यों ट्यूनर मेरी आवाज़ को हाँ इतने परफेक्ट ट्यून्स हैं ना इनकी एक्चुअली हुमैरा बाजी की और नसीबों की भी जो कहना ज़रूरी है बहुत अच्छे सिंगर हैं दोनों के सुर बहुत यार आप लोग के लिए क्लैप नसीबों के लिए भी और हुमैरा बाजी के लिए भी अच्छा पंजाबी गाना कौन सा आपका बड़ा फेवरेट रहा है हमेशा पंजाबी गाना बहुत गाए आपने अपनी फिल्म के भी कोई पुराने भी कोई है जो अभी हमें सुनाना चाहेंगे आप पंजाबी चेज चढ़िया मैंने बहुत अच्छा है बहुत अच्छा वेरी गुड सॉन्ग चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया चेत चढ़िया चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया साडा जग सी वीरान अज वसिया के नैनी खा के नैनी खा भरे भरे वाह डालिया दी मेंढी पई खोल दी वाह डालिया दी मेंढी पई खोल दी रंगा दी जंज चढ़े चढ़े चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया चेत चढ़िया अग बालिया ना बाल तू विसाल दी अग बालिया ना बाल तू विसाल दी सुन सही तू कहानी साडे हाल दी सुन सही तू कहानी साडे हाल दी के नैनी ख्वाब भरे भरे रंगा दी जांजी चढ़े चढ़े चेत चढ़िया चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया क्या बात है यार आज शो का मेरे जो माहौल है ना वो इतना डिफरेंट है क्योंकि मुझे इतना मजा आ रहा है कि क्या मैं आवाज ये वो आवाज है जो लोग तरसते हैं सुनने के लिए और सामने बैठ के हम आज चौथा पांचवा गाना मैं सुन लिया ये क्या बात है जबरदस्त बात और नवीद जिनका हर गाना आजकल हिट है ये यहाँ बैठे ही देखे ना यार ये आप सोचे अच्छा बहुत कम होता है नवीद इंटरव्यूज कम दिए होंगे है ना और वो ये मतलब ज्यादा मौका भी नहीं मिलता लोगों को पता ही नहीं होता कि इस गाने के पीछे है कौन जो आर्टिस्ट नजर आ रहा होता है उनको क्रेडिट जा रहा होता है जो आवाज होती है उनको क्रेडिट जाता है लेकिन गाना बनाने वाले को क्रेडिट कम जाता है मतलब हम फील्ड में तो मालूम होता है हमें लेकिन पब्लिक को नहीं तो आज पब्लिक भी आपको देख रही है मेहरबानी है आपकी एहसन भाई और बोल टीवी की जिन्होंने बुलाया मुझे नहीं आपकी मेहरबानी कि आप आए यहाँ पे टाइम पे टाइम पे मैं 2 घंटे लेट हो गया एक्चुअली ट्रैफिक कराची का बिल्कुल ब्लॉक था मैच है आज जैसे नहीं हम आपका इंतजार 10 घंटे भी कर सकते हैं यार आप डिजर्व करते हैं आप लोगों को इज्जत अच्छा जो हमारे यंगर जनरेशन है मैंने ये देखा है हुमैरा जी जैसे आपकी जनरेशन आपसे पहले
जिस तरह आपने भी गाना शुरू करने से पहले इनको कहा ये आपसे जूनियर है बहुत छोटे, आपने कहा इजाज़त है, और जिस तरह वो आपको बहुत एहतराम से बात करें, और मैंने क्योंकि पर्सनली स्टूडियो का विजिट किए हुए जाते रहते हैं शूटिंग, मैंने देखा बहुत एहतराम का माहौल, बहुत एक दूसरे की इज्जत, बहुत प्यार, जो शायद लोगों को नहीं मालूम। क्या अभी जो यंगर जनरेशन है उसमें भी ऐसा माहौल है? मुझे बहुत कम नजर आता है। अच्छा, आपको थोड़ा चेंज हो गया, कुछ सिस्टम चेंज हो गया, ठीक है। इसकी क्या कोई तरबियत घर से भी होती है? कुछ घर से होती है, और मैं सब वो आपकी बात बहुत अच्छी कि जिन लोगों के साथ हमने काम किया, बड़े असाज़ा के साथ काम किया, फिर वो माहौल मिला, उसमें अदब व आदाब को बहुत प्रेफरेंस दी जाती थी, उठना बैठना और इजाज़त लेके शुरू करना, तो ये वाकई घर से भी मिलती है, कुछ चीज़ें घर से मिलती, मतलब काम को इज्जत देने के साथ लिंक किया जाता है कि आप किसी को इज्जत देते हैं तो आपको इज्जत मिलती है। बिल्कुल सही बात है। यार अगर आप तमीज़दार होंगे तो आपका आपके घर को क्रेडिट है, और जो रियल आर्टिस्ट है, जो सही म्यूजिक करने वाले हैं, सही है, वो अदब से खाली हो ही नहीं सकते, वो हम्बल होते हैं, बहुत अदब से खाली। बड़ी अच्छी बात है कि वो इंसान भी अच्छे होंगे। आप मतलब आज भी लोग हैं, अभी आप न्यू जनरेशन की बात कर रहे हो, हम भी न्यू जनरेशन में ही हैं, बट अब के जो लोग हैं वो प्रेफर कर रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक को सिर्फ, कि हम ये किया, हम कराची एयरपोर्ट पहुंच गए, लाहौर पहुंचे, हम ये हो गया काम पे। बड़ी फनी बात है नवीन कि इंस्टाग्राम को प्रेफर करें, काम का जो स्किल, जो वो वर्क का कुछ है नहीं, और इस सोशल मीडिया पे। एक और बात है सर भाई, आपके शो पे आ गया तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, प्लीज जितने भी कवर सॉन्ग्स करने वाले लोग हजरात हैं, जो ओरिजिनल क्रेडिट्स हैं उनको क्रेडिट जरूर दिया करें। आप लोग का गाना नहीं होता वो, ठीक है, पहली बात तो ये, जो कंपोजर है, जो पोएट है, जो सिंगर है, उनका नाम आपको देना चाहिए, आपके लिए बहुत बेहतर है। अब वो डिजर्व भी कर रहे होते हैं, डिजर्व भी करते हैं, इतना काम करके जबरदस्त। जी जो ऑडियंस है इनकी वजह से आप बैठे हो ना, हम हैं इनकी मेहरबानी, इनको प्यार करते हैं, लेकिन हमें क्रेडिट भी दिया करें उस तरीके से। बिल्कुल सही जी। अच्छा, हमारे यहाँ एक सेगमेंट होता है साड़ी अवाम, उसमें होता ये कि क्योंकि हम लोगों को बताते हैं कि हमारे पास ये मौजूद हैं, और फिर वो लोग हमें कमेंट्स देते हैं, तो देखते हैं आप लोगों के बारे में लोगों ने क्या, मतलब आप पे तो लोगों ने 100% अच्छे दिए होंगे, बस मुझे नवीद का कुछ शक हो रहा है। नहीं, और ये मजाक की बात है क्योंकि ये मेरा भाई है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।